स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं ये शाहरुख खान की कुंडली है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2008 में शाहरुख खान ने आईपीएल टीम खरीदी थी कोलकाता नाइट राइडर्स, तब उनको देखिए दशा क्या चल रही थी, शनि दशा, और शनि यहाँ पे केंद्र में बैठा हुआ अपने घर में। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें कि शनि का दशा है और शनि में शनि है तो, और शनि यहाँ पे योग कारक है, काफ़ी अच्छा राजयोग बना रहा है, तो अच्छा होना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ हम लोग सबको पता है कि जब इन्होंने आईपीएल टीम खरीदी तो उसके बाद जो आईपीएल टीम थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और उसके बाद जा करके जो टीम है वो काफ़ी बार काफ़ी जगह वो हारने लग गई थी। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इनका केकेआर का जो कलर था वो भी पूरा काला था, जो कि शनि का रंग होता है। उसके बाद ये जो हेलमेट था वो भी ऐसे स्कल टाइप रखा गया था, विच ऑल्सो रिप्रेजेंट डेथ, तो वो भी एक शनि का ही कारक माना जाता है। तो यहाँ पे सारा सब कुछ जो कि एक सेटअप हुआ था वो पूरा शनि का था, काला रंग विच इज़ हार्श, यहाँ पे स्कल वाला सिस्टम विच इज़ ऑल्सो हार्श, और ये भी ये दिखाता है कि शनि वाला पूरा प्रभाव था। और बाकी सारे जो इनका थीम था और जो जिस तरह से इनको ब्रांडिंग किया गया था, तो उसमें भी आप एक एक पॉइंट पे देखें तो शनि वाला जो आपको इम्प्रेशन है वो आता है। और इसका एक और अगर आप एस्पेक्ट भी देखें तो केकेआर जब से लॉन्च हुआ था तो उसके बाद से इट हैज़ बीन क्वाइट अनलकी, तो जो मेजर प्लेयर्स थे वो ज़्यादा टाइम खेल नहीं पाए, और जो मेजर प्लेयर्स थे वो इंजर्ड भी थे काफ़ी टाइम के लिए। तो ये फेस दिखाता है कि कैसे शनि जो कि जो कारक है अनलक का, मिसफॉर्च्यून का, वो कैसे यहाँ पे अपना रोल प्ले आउट करता। और पूरा ये जो 3 साल था वो केकेआर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा था। पहले साल तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, ख़राब था, पॉइंट्स टेबल पे नीचे ही रहा। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट ईयर जब साउथ अफ्रीका गए थे टीम, तो सौरभ गांगुली को कैप्टनसी से हटा दिया जाता है, उसके बाद ब्रेंडन मैकलम को कैप्टन बनाया जाता है। और उसके बाद जब टीम वापस इंडिया आती है नेक्स्ट ईयर 2010 का आईपीएल खेलने, तो उसमें भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। अब यहाँ पे देखिए जैसे शनि में शनि रहता है वैसे तब तक के लिए शाहरुख खान के लिए ये प्रॉब्लम रहता है, और उसके बाद जैसे शनि में मरकरी शुरू हो जाता है तो ये अपना टीम वापस से रीबिल्ड करते हैं, और वहाँ पर जा करके फिर इनकी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देती है। तो ये एक और एग्ज़ाम्पल था ये बताने की अगर शनि में शनि वाला फेज है, शनि इवन योग कारक भी है, आपको एक अच्छा पोजीशन लाइफ में पहुंचा भी चुका है, उसके बाद भी ये आपको कष्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, उसके बाद भी ये आपको इश्यूज दे सकता है और कंट्रोवर्सीज दे सकता है।